हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं भूमि एंड फ्रीक्वेंट भूमि चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बना रही हूं इटालियन स्टाइल मैगी। तो चलिए बनाते हैं इटालियन स्टाइल मैगी, जो कि क्विक इटालियन स्टाइल मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी जो बॉयल हो चुका है, अब मैं यहाँ पे दो पैकेट का, ये जो दो पैक वाला मैगी का पैकेट आता है, तो मैंने ये दो पैक वाला मैगी का पैकेट है वो मैं बना रही हूँ। मैगी डाल दिए, नूडल्स जो है मैंने डाल दिए, अब मसाला जो शैचट है वो डाल रही हूँ यहाँ पे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड मैगी को अच्छे से बॉयल होने देते हैं। हमारी मैगी जब तक बॉयल हो रही है, तब तक पे मैंने जो है ये स्वीट कॉर्न लिया है, मैंने हाफ कप जितना स्वीट कॉर्न लिया है। स्वीट कॉर्न है जो कि बॉयल किया हुआ है ऑलरेडी, एंड मटर है, मटर को बॉयल नहीं किया है मैंने यहाँ पे, एंड ये टमाटर है, मैंने हाफ टमाटर चॉप कर लिया है, दो ग्रीन चिल्लीज है छोटी चॉप कर ली है, अदरक होता है जिंजर होता है वो मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, एंड सम पनीर क्यूब्स हैं एंड हाफ ऑनियन है जो कि मैंने कट कर लिया है। सो मेरे इटालियन मैगी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक तरफ मैगी बॉईल हो रही है, तब तक एक कढ़ाई में सबसे पहले गैस ऑन कर लिया है मैंने। अब ये मैंने कढ़ाई जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2 टीस्पून जितना ऑयल जो यहाँ पर मैंने लिया है। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, और ऑयल के गर्म हो जाने के ऑनियन जो हमने हाफ ऑनियन चॉप किया है ऑनियन डाल लेंगे। अच्छे से ऑनियन को पका लेते हैं पहले। हमारा ऑनियन जो है वो अच्छे से पक चुका है। ऑनियन पकने के बाद हम सबसे पहले डालेंगे ग्रीन चिल्ली, डाल दी हमने जिंजर जो है, जिंजर हमने ग्रेट किया था वो भी डाल दिया है। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। एंड नाउ वी एड चॉप टमेटो। सो यहाँ पे मैंने टोमेटो है वो चॉप किया था वो ऐड कर लिया है। तो टमाटर के बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन पीस, हरे मटर के दाने। तो आफ्टर टमाटो हमने ऐड किया है हरे मटर के दाने। इसको अच्छे से चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे सबको। तो तक हमारी मैगी जो है यहाँ पे बॉयल हो चुकी है, तो हम गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। मैगी के अंदर तो होता है, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे यहाँ पर हम। तो हम 2-3 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, क्योंकि 2-3 मिनट में अच्छे से जो सब्जी है ये सारे वेजिटेबल्स है पक जाएंगे। तो कवर इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। 2-3 मिनट बाद ये अच्छे से पक चुके हैं, सारे वेजिटेबल्स जो अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। तो अब मैंने ऐड कर लिए स्वीट कॉर्न, ऐड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/4 जितना कोरिएंडर पाउडर। इसको अच्छे से चला लेंगे। ये पनीर क्यूब्स, सो यहाँ पे मैंने थोड़े से पनीर क्यूब्स काट लिए थे, वो पनीर क्यूब्स भी ऐड कर लिए यहाँ पे हमने। इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। सो इसको कवर कर लेते हैं, वी चेक इट। एंड मेरी बेटी को जो कैप्सिकम है वो पसंद नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग कैप्सिकम हियर। इफ़ यू वांट देन यू कैन ऐड कैप्सिकम। जो हमने बॉईल करके रखे है ये मैगी को, इसके अंदर अब ऐड कर लेंगे। सो अब यहाँ पे मैं मैगी जो है वो ऐड कर दी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ऑल वेजिटेबल्स एंड पनीर क्यूब्स एंड ऑल थिंग्स जो है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। तो हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़ जो कि हमने ग्रेट करके ऑलरेडी रखा है। सो यहाँ पे मैंने चीज़ ऐड किया है। यस, इटालियन मैगी हो एंड चिल्ली फ्लेक्स ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे मैं थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ओरेगानो फ्लेक्स भी हम ऐड कर लेंगे। चिल्ली फ्लेक्स एंड ओरेगानो फ्लेक्स दोनों मैंने ऐड कर लिया है। सो हमारी इटालियन स्टाइल मैगी जो है वो रेडी हो चुकी है। एंड सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी इटालियन स्टाइल मैगी जो है वो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी इटालियन स्टाइल मैगी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड मिलते हैं अपने नए अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।